नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। फाइट या फ्लाइट, इमरान खान के पास दो ऑप्शन है। अब सवाल उठ रहा है कि इमरान खान इनमें से आखिर क्या चुनेंगे। इमरान खान के लिए कोर्ट भले ही कवच बन रहा है, लेकिन वहां की सेना उनके लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अल कादे ट्रस्ट मामले में 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि दो दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शन ने पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया था, जिससे सेना बौखला गई थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को एक ऑफर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ देने का ऑफर दिया है और कहा है कि देश छोड़ दो वरना आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को दुबई और लंदन जाने का ऑफर आर्मी की तरफ से दिया गया है। देश की आर्मी ने कहा है कि अगर इमरान पाकिस्तान छोड़ देंगे तो उन पर किसी तरह का केस आर्मी नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के तरफ से दिए गए ऑफर को पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के सपोर्टरों को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर दोबारा से 9 मई वाली हरकत दोहराई गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये बयान सियालकोट गैरिसन की अपनी यात्रा के दौरान दिया था, जहां पर वो शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में दो दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। देश में सेना का किसी भी आंतरिक मामले में बेहद ही अहम रोल होता है। पाकिस्तानी सेना ने सरकार को आर्मी एक्ट लगाने की बात कही थी। आर्मी एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहा जाता है। इसके हेल्प से सेना अपनी ओर से गिरफ्तार किए गए दोषियों को गंभीर सजा दे सकती है। इसके तहत पूर्व पीएम इमरान और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।